नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 नवंबर मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है। राजस्थान सरकार भी कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने के लिए अलर्ट पर आ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को वैक्सीनेशन पर फोकस करने के लिए कहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाने और जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है उन्हें दूसरी डोज लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन स्पोर्ट वाले 28,000 बेड तैयार कर लिए गए हैं और बच्चों के लिए 2,600 ICU बेड तैयार किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का यह स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा संक्रामक है। बाड़मेर जिले के चौटन थाना क्षेत्र के विरात्रा मंदिर में करीब 2 किलोमीटर दूर टांके में कूदकर प्रेमी युगल ने सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस और परिजन युवती की तलाश कर रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर के पास बने टांके में युवती व युवक दोनों कूद गए। युवती की उम्र 18 वर्ष और युवक की उम्र 21 से 22 वर्ष बताई जा रही है। अब तक की जाँच में दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था, इसके चलते सुसाइड किया है। दोनों एक ही कस्बे के निवासी हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने कुल 2,325 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसमें योजना सूचना अधिकारी, योजना आयतन अधिकारी और योजना सहायक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी BPNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख आज है। ऐसे में अभ्यर्थी रात 12 बजे तक ही आवेदन कर सकते हैं। योजना सूचना अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ में मार्केटिंग के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। वहीं योजना आयतन अधिकारी के लिए किसी प्रतिष्ठित बोर्ड से 12वीं या मार्केटिंग में डिप्लोमा व मार्केटिंग में अनुभव होना जरूरी है। योजना सहायक के लिए किसी प्रतिष्ठित बोर्ड से 10वीं या मार्केटिंग में डिप्लोमा व मार्केटिंग में अनुभव होना जरूरी है। कस्टमर्स ने 348 करोड़ रुपए के हीरे और सोने की बड़ी तस्करी का खुलासा करते हुए जयपुर समेत प्रदेश के 4 शहरों में छापेमारी की। मामले में झुंझुनू के एक CA और अजमेर के व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है। यह माल गुजरात और मुंबई के व्यवसायियों ने तस्करी करवाकर मंगवाया था, जिसका भुगतान राजस्थान मूल की कागजी IT कंपनियों के माध्यम से UAE और हांगकांग में किया गया। प्रथम दृष्टया इस गिरोह के जरिए अब तक 10,000 करोड़ रुपये का सोना और हीरा की तस्करी की आशंका है। CA झुंझुनू के डेरवाला पोस्ट स्थित राजीव नगर गांव निवासी रविंदर कुमार और व्यवसायी अजमेर के विजय नगर में विश्वकर्मा मंदिर के पीछे रहने वाला ओम प्रकाश वंजानी है। हनुमानगढ़ जिला एवं सेशन न्यायालय ने 60 साल की महिला से रेप और मर्डर मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए गंभीर खतरा है, सभ्य समाज में रहने के काबिल नहीं है। उन्होंने इसे दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। मामला हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र का है, जहां 16 सितंबर को पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव दुलमाना में 19 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ मंडिया ने बुजुर्ग विधवा महिला की हत्या कर दी थी। वह घर में अकेली रहती थी। पीलीबंगा पुलिस ने जाँच की तो वृद्धा के साथ रेप की पुष्टि हुई। बड़े पापा से रिमोट वाली कार दिलाने की जिद 10 साल के बच्चे ने की तो उनसे रहा न गया। बाइक पर बच्चे को बैठाए और बाजार की ओर निकल पड़े। साथ में उसकी ताई भी थी। रास्ते में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, बच्चे की मौत हो गई। उसके बड़े पापा गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा कोटा के उद्योग नगर क्षेत्र का है। रायपुरा के रहने वाले महेंद्र मार्बल टाइल्स लगाने का काम करते हैं। उन्होंने रायपुरा में ही एक प्लॉट लिया है। महेंद्र के बड़े भाई राकेश अपनी पत्नी के साथ आए थे। महेंद्र के बेटे विवेक ने राकेश से रिमोट वाली कार दिलाने की जिद पकड़ ली। भतीजे की डिमांड सुनकर राकेश अपने आप को रोक नहीं पाए। उसे लेकर वह पत्नी के साथ बाजार निकल पड़े। धाकड़खेड़ी उम्मेदगंज के पास पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में विवेक की मौत हो गई। जोधपुर जिले के कलाऊ गांव में खेत की उपज के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में खेत मालिक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर काश्तकार की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि काली देवी ने रिपोर्ट दी है कि मेरे पति मल्लाराम परिवार सहित 6 माह से कलाऊ में दमाराम के कृषि नलकूप पर खेती का काम कर रहे थे। ससुर के बीमार रहने के चलते पति ने खेत मालिक से कहा था कि वह आगे कृषि कार्य नहीं कर पाएगा। इससे मालिक नाराज हो गया और उसे फसल की रकम व मजदूरी हड़पने की नीयत से झगड़ा कर वहाँ से निकाल
डाल दिया। इसके बाद खेत मालिक ने पति को फोन कर कहा कि आकर हिसाब ले जाओ। उस पर भरोसा कर पति वापस नलकूप पर गए तो वहां पहले से मौजूद दूसरे काश्तकार ओमाराम ने पकड़ लिया। इस दौरान दमाराम ने बियर की बोतल से पेट पर वार किए और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर जिले के सदर थाना पुलिस ने शहर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 युवतियों और 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डीएसपी आनंद सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तरलाई रोड पर हर्बल स्पा सेंटर पर स्पा की आड़ में वेश्यावर्ती का धंधा चल रहा है। इस पर हमने डमी कस्टमर भेजकर इसकी पुष्टि की। सेंटर पर दबिश देकर 4 युवतियों व मैनेजर ग्राहक सहित 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवतियाँ अलग अलग राज्यों से हैं। नागौर जिले के डेगाना थाना क्षेत्र में खाद बीज कंपनी इंडियन एग्रो सेल्स के मैनेजर रामेश्वर राव के साथ 11,56,000 रुपये की लूट की कहानी झूठी निकली है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर लूट की झूठी कहानी रचने वाले इंडियन एग्रो सेल्स के मैनेजर रामेश्वर को हिरासत में ले लिया है। आरोपी मैनेजर के घर से तकरीबन 6.5 लाख रुपये बरामद भी कर लिए गए हैं। मैनेजर रामेश्वर राव पर कर्जा हो रखा था और वो महंगे शौक भी रखता था। उसने शौक पूरे करने और कर्जा उतारने के लिए उसने ये कहानी रची थी। पुलिस ने बताया कि रामेश्वर लूट से पहले कोऑपरेटिव बैंक गया था और पेमेंट जमा करवाए बिना ही वापस निकल गया था। जबकि पुलिस को दिए बयानों में रामेश्वर ने बताया था कि वो बैंक पहुंचा ही नहीं और बीच रास्ते में ही उससे लूट हो गई। वह कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। भरतपुर जिले के रूपवास थाना क्षेत्र में 2 बाइक आपस में भिड़ गई जिसमें एक महिला की मौत हो गई, बाकी के बाइक सवार लोग घायल हो गए। एक युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि 30 साल की कमलेश अपने देवर सुरेश के साथ शादी से लौटकर अपने घर लखनपुर थाना रुद्रावल जा रही थी। दूसरी तरफ सामने से एक बाइक सवार प्रेमपाल अपने गांव जा रहा था, तभी दोनों की बाइक की आपस में टकरा गई। घटना में कमलेश, उसका देवर सुरेश और दूसरे बाइक पर सवार प्रेमपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में कमलेश की मौत हो गई। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।